जननायक जनता पार्टी के नारनौंद से विधायक रामकुमार गौतम द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए जाने के बाद शुरू हुई सियासी हलचल पर दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर दुष्यंत ने कहा कि मैंने भी वीडियो देखी है, गौतम जजपा के सबसे बुजुर्ग साथी हैं, उनकी यदि कोई शिकायत है तो वे संगठन के अंदर आकर बता सकते हैं। उनका इस्तीफा अभी तक पार्टी ऑफिस में नहीं आया है। दुष्यंत ने कहा कि यदि इस्तीफा आता भी है तो पार्टी के बड़े साथी उनसे मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे, वे हमारे बड़े हैं, उनके किसी बात का कोई बुरा नहीं मानते हैं, पार्टी संगठन में उनका सहयोग है, बैठकर चर्चा की जाएगी। मंत्री पद की नाराजगी के सवाल पर दुष्यंत ने टिप्पणी देने से इनकार कर दिया। मैंने भी आप जैसे साथियों द्वारा भेजी गई वीडियो देखी, हमारे बुजुर्ग हैं, एमएलए की टीम के अंदर सबसे सीनियर है, अगर उनका कोई ग्रीवेंस है तो संगठन के अंदर आकर बता सकते हैं। और इस्तीफा अभी तक तो पार्टी ऑफिस में आया नहीं, अगर आएगा भी तो भी पार्टी के सीनियर साथी उनसे मुलाकात करके उनसे चर्चा करेंगे क्या निवेशित है। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि हमारे बड़े हैं, उनकी कई बातों का ना तो हम बुरा मानता है, और अगर उनका कोई ग्रीवेंस है तो जरूर तो पार्टी संगठन के विस्तार के अंदर उनका सहयोग भी रहा, बैठ कर चर्चा करी जाए और उसको ग्रीवेंस को रिड्रेस भी किया जाए। क्या लगता है कि मंत्री पद न मिलने से वो कहीं ना कहीं इस पर टिप्पणी ना करी तो बेहतर है। विधायक रामकुमार गौतम ने कहा था कि इसकी भी लाइन तो पूर्वजों जैसी है, अपने से बड़े को नेता नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि जजपा से चुनाव लड़ना बड़ी भूल थी, जजपा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। वे नारनौंद के गांव राखी दड़ी में 12 खाप चबूतरे पर सभा संबोधित करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए थे। रामकुमार ने कहा चुनाव में पिंडारा गांव में दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि ये छोरा 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेगा, लेकिन लाइन तो इसकी भी वही है जो इसके पूर्वजों की थी, ये अपने से बड़े किसी को नेता नहीं देख सकते। पार्टी के विधायकों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया, इससे सभी विधायक नाराज हैं। दुष्यंत ने पहले कहा था कि हमने पता लगा लिया है कि कैप्टन तो केवल रामकुमार गौतम ही हरा सकता है, मुझे मंत्री बनाते तो बड़ी उडारी भरते, अब पैसा हजम खेल खत्म, अकेला ही 11 महकमों पर काबिज है, जबकि और विधायक भी हैं जिन्होंने डिप्टी सीएम बनाया है। गौतम ने कहा कि बहुत बड़ा जख्म कर राख्या से लोगों के, एक आध हाड़ी पाड़ी छोड़ कर सभी एमएलए परेशान हो रहे हैं, तू टेस्ट लेवेगा सारे का, ए बात तय चुनाव से पहले कहता, मुझे मंत्री ना बनने का कोई मलाल नहीं है, मलाल इस बात का है कि गुड़गांव के एम्बिंस मॉल में मिलकर समझौता कर गए, समझौता करना था तो चुनाव से पहले ही कर लेते, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। रामकुमार गौतम को यह लगता था कि उन्हें मंत्री जरूर बना लिया जाएगा, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने उनकी बजाय संकट के समय साथ निभाने वाली अनूप धानक को मंत्री बना दिया। नहीं जा सकता दूसरी बार, इसी पार्टी में हूं, जा सकता हूं, सकते हैं तो पता नहीं के तड़के में लोगो, मैं तो प्रधानमंत्री बन सकता हूं, सकता हुआ क्या मतलब यार, आज की बात पूछ, आज मैं इसी पार्टी में हूं, ये पार्टी मैंने पिंडारे जिस वक्त इनकी मीटिंग हुई थी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा चाहने वाला कोई नहीं इस धरती का जो उस मैदान में हाजिर नहीं था, दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे के आया था, दुष्यंत को कह के आया था कि आगे भविष्य का मुख्यमंत्री है भगवान, इसको 36 बरादरी का की सेवा करने की ताकत दे, मुझे मिनिस्टर बनने का कोई दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का जब मुझे किसी ने आगे बताया कि ये तो एम्बियंस मॉल में वहाँ मिलके समझौता करके आपस में, उस बात का दर्द है, पहले कर लेंदे इलेक्शन से पहले, क्यों लोग मारे इतनी जनता बिना बात के। अनूप धानक के मंत्री बनने से रामकुमार गौतम के अरमानों पर गाज गिर गई और उसी दिन से वे कोप भवन में चले गए। रामकुमार गौतम यह भूल गए कि जहां जुगला चीका का विधायक ईश्वर सिंह उनसे वरिष्ठता में कहीं आगे हैं, वहीं निष्ठा और संपर्ण में अनूप धानक का वे मुकाबला नहीं कर सकते। मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण ही रामकुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला पर आरोपों की बौछारें कर दी। दुष्यंत चौटाला पर ढेर सारे आरोप लगाने वाले रामकुमार गौतम सारे एहसानों को भूल गए। रामकुमार गौतम यह भूल गए कि जाटों के सबसे बड़े नेता दीन बंधु छोटू राम पर उनकी गलत टिप्पणी के कारण दुष्यंत चौटाला की सियासत पर संकट के बादल मंडरा गए थे। दुष्यंत चौटाला ने तमाम आलोचनाओं और विरोधों को झेलने के बावजूद रामकुमार गौतम से पल्ला नहीं झाड़ा।
जेजेपी के नारनौंद हलके के तमाम छोटे बड़े नेता रामकुमार गौतम को टिकट देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने टिकट देने के कमिटमेंट को निभाने के लिए पार्टी के नेताओं के पुरजोर विरोध को अनदेखा करते हुए रामकुमार गौतम को सबसे पहले टिकट देने का ऐलान किया। रामकुमार गौतम को टिकट देने के कारण जेजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ गए और कई घर बैठ गए। रामकुमार गौतम के खिलाफ नारनौंद हलके के जाट वोटरों में बड़ी नाराजगी को दूर करने के लिए दुष्यंत चौटाला का पूरा परिवार नारनौंद हलके में चुनाव के दौरान 11 दिन तक डटा रहा। नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला के उचाना हलके से ज्यादा टाइम नारनौंद हलके में रामकुमार गौतम को जिताने के लिए लगाया। खुद दुष्यंत चौटाला ने भी 4 दिन तक नारनौंद हलके में जाकर रामकुमार गौतम की जीत को पक्का करने के लिए पूरा जोर लगाया। दुष्यंत चौटाला ने रामकुमार गौतम को अपने साथ जोड़ते समय उन्हें टिकट देने और विधायक बनाने का वादा किया था। उन्होंने अपने वादों को पूरा करने के लिए तमाम मुश्किलों का सामना किया और विधायक बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। दुष्यंत चौटाला ने कभी भी रामकुमार गौतम को मंत्री बनाने का ऐलान नहीं किया था। दूसरी तरफ रामकुमार गौतम मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण अपनी नैतिकता और आपा दोनों ही खो बैठे हैं। रामकुमार गौतम साथ निभाने का वादा पूरे करने की बजाय दुष्यंत चौटाला को खलनायक साबित करने की छोटी हरकत कर गए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।